एंड देयर इज अनदर प्रोजेक्ट दैट आई एम डूइंग राइट नाउ, इट्स गोना स्टार्ट वेरी सून. उसका नाम है बदजात. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट प्रोजेक्ट. इट्स अबाउट सेक्सुअल अब्यूज. सो दैट एंड दिस, दीज टू प्रोजेक्ट, दीज टू प्रोजेक्ट्स, बिकॉज़ आई थिंक जो सीरियस काम होता है ना वो आपको कहीं और पहुंचा देता है मेंटली. तो आपको यू हैव टू डिग डीपर इनटू थिंग्स दैट यू डोंट वांट टू गेट इनटू. जो दूसरा काम होता है वो मुझे लगता है कि आई मीन काम है लेकिन मुझे लगता है कि बट मैं एक बात बताऊं ज़ारा, हर किसी को हसाना आसान काम नहीं है एंड यू हैव बीन डूइंग इट एंड टू बी लव्ड फॉर दैट. It's not easy. Thank you so much. But मुझे ऐसा लगता है कि to be so genuine. But I think everybody can make everybody laugh. No. नहीं, बिलीव मी, नहीं ऐसा नहीं है. और ये कितनी जेन्युइनली हंसाना कि लोग हंसना चाहें, कॉमेडी फोर्स नहीं लगे. यू डूइंग एन अमेजिंग जॉब. थैंक यू सो मच. बट आई ऑल्सो फील लाइक कि बिकॉज ऑफ बुशरा खाला एंड अम्मा एंड अदर खालाज, मैं आई हैव ग्रोन अप विद दीज वुमेन इन द हाउस एंड दे टॉक लाइक दिस. सो दिस इज हाउ वी ऑल टॉक. तो मुझे मतलब तो वो नहीं है ना कि मैं कहूँ कि अच्छा कुछ एफर्ट है, मतलब मुझे पता कि बातें किस तरह करते हैं हम सब. अच्छा मुझे ये बताएं, फैमिली है तो फैमिली के साथ काम करना आसान है या फैमिली के साथ काम करना मुश्किल होता है? सच सच कोई नहीं है, सच बता दें. बहुत मुश्किल होता है. आई कॉन्ट टेल यू. बुशरा खाला तो उनका बस बस नहीं जा रहा कि उन्होंने मेरी चोटी नहीं पकड़ी. उन्होंने कहा निकलो मेकअप रूम से, यहाँ पर कोई नखरा नहीं, अम्मा होती है, मैं जुत्ती उतारूंगी, सेट पे पहुंचो. असद में इस तरह होते ना असद, क्योंकि असद तो यू नो लाइक थैंक गॉड ही इज अमेजिंग लाइक दैट. वो कहता है ज़ारा ये तुम्हें, ये औरतें तुम्हें मार देंगी, दीस गर्ल्स आर गोना किल यू. सो ही इज योर सुपर हीरो, ही विल कम प्रोटेक्ट यू. वो तो बेचारे कहते ज़ारा मैं बता रहा हूं. सो वन नाइट हम लोग इतना जाते घूमते फिरते हैं. सो वन ऑफ दीज नाइट्स आई वाज लाइक असद आई एम सो टायर्ड, अब हम घूम फिर के आए, मूवी देख के आए, नाउ कॉल टाइम लेट करवा लो. सो ही इज लाइक ओके. सो हम सुबह सेट पे गए, ही इज लाइक कसद नहीं तबीयत बहुत खराब है, बट कोनी मारियो ना कि कहो हाँ. सो इज लाइक हाँ बेचारी रात को उल्टियाँ कर रही थी, शी वॉज वेरी वेरी शी वॉज थ्रोइंग अप द एंटायर नाइट बेचारी, ओ माय गॉड. सो आई वाज लाइक हाँ हाँ. एंड देन खालाज लाइक तुम दोनों एक टीम में हो, मुझे पता है, यू गाइस आर जस्ट लाइंग, तुम दोनों एक टीम में हो. यू गाइस, मैं कहा नहीं नहीं बाकी मेरी तबीयत खराब थी असद बताए ना. सो आई मीन ही इज दैट गाय हु ऑन सेट जिसको मैं कहूंगी असद मुझे मतलब सेव नहीं, मुझे नहीं जाना. बिकॉज दीज वुमेन उनका सीन होता है वो कहती है चेंज करो, मतलब ऑफ कोर्स दे आर हाईली प्रोफेशनल एंड दे आर वेरी तेज तेज, दे आर अमेजिंग लाइक दैट. तो वर्किंग विद दीज वुमेन आप यू लर्न सो मच अबाउट डिसिप्लिन, अबाउट वर्क एथिक्स. कभी कभी शर्म आ जाती है खुद ही यार, ये लोग ओ माय गॉड ये लोग रेडी बैठे हैं. तो बट बहुत मजा भी आया. अब जब असद के साथ सीन होते हैं कभी लगता है एक्टिंग करनी पड़ रही है, ये इतना नेचुरल फ्लो में जा रहा होता है या ये ड्रामे की डायनामिक्स थोड़े से डिफरेंट है? अच्छा इस ड्रामे की डायनामिक में असद एंड आई, आई डोंट वांट टू गिव अवे, बट बहुत सारा रोलर कोस्टर है विद असद, क्योंकि आई एम एक्सट्रीमली कंफर्टेबल विद हिम, एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, ऑफ कोर्स माशाल्लाह. तो वो चीज ना कभी कभी मुझे लगता है मैं बहुत कंफर्टेबल हो जाती हूँ. तो एक्टिंग करके शर्मा जाती हूँ, बट एक्चुअल में नहीं शर्म आती. एक्चुअल में मुझे बिल्कुल असद से शर्म, तो असद को भी अच्छा लग रहा होगा कि कभी शर्म आ रही है. शर्म आ जाती है असद को, शर्म आ जाती है. ज़ारा तुम, ज़ारा मैं कहती हूँ क्या ज़ारा, क्या ज़ारा, मियां बीवी हैं. हाँ मतलब ज़ारा यार ज़ारा तुम, मैंने कहा नहीं क्या. तो बट मतलब द फन पार्ट अबाउट इट, अबाउट ऑल ऑफ दिस इज दैट एज एक्टर्स आई थिंक असद एंड आई गेट टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर, जो यूजुअली हम नहीं कर पाते. एंड ऑल्सो समटाइम्स व्हेन वी आर हैविंग दीज रियली यू नो अगली डार्क सीन्स, तो उसमें आई हैव टू गिव इट अप टू हिम, ही इज एन अमेजिंग एक्टर राबिया. आई थिंक मुझे लगता है कि आई लर्न सो मच फ्रॉम हिम इन डार्क सीन्स स्पेशली. और असद इतना सटल कर जाते हैं, तो मैं कहती हूँ यार ये मतलब यू नो दिस आर्ट ऑफ मेकिंग इट सो नेचुरल, तो वो मैं असद से बहुत सीखती हूँ. द रोमांस ही लर्न्स फ्रॉम मी आई थिंक, द अदर द रियल पार्ट आई लर्न फ्रॉम हिम. हमें कोई शक नहीं है इसमें ज़्यादा. अच्छा मुझे बताओ घर पे फड्डा हुआ फिर आके कैसे एक्टिंग करते हो तुम दोनों? बिल्कुल नेचुरल. हाँ मतलब ऑब्वियसली भी सेट पे फिर उसमें दोस्ती हो जाती है, फिर भूल जाती हो पढ़ा या एक्टिंग के बाद वो घर पे जाके पढ़ना करते हो जाता है वो वहाँ है. लेकिन सेट पे हम दोनों बिल्कुल वर्किंग विद असद, मुझे ये बात पता चली असद इज वेरी प्रोफेशनल. ऑल्सो सेड इट अलावा ऑल्सो असद इज एक्सट्रीमली प्रोफेशनल. हम सेट पे काम कर रहे होंगे तो असद वुड बी सिटिंग आउटसाइड, नॉट लाइक कि हाँ ज़ारा और ये वो कोई गप्पे गुप्पे कुछ, अपनी जोन में प्रैक्टिस ये वो सीन कर लो.
एंड ही इज वेरी सीरियस अबाउट इट कि अगर हम सीन कर रहे हैं तो मजाक नहीं ज्यादा फिर सीन करें आप क्योंकि मैं तो हाँ मतलब सीन करो और मैं कहती हूँ क्यों मतलब है अच्छा ज़ारा मतलब हम मतलब सो अच्छा सीन में एक दूसरे को प्रॉम्प्ट करते हो कभी भूल जाएं लाइन या कुछ होता है कभी प्रॉम्प्ट होता है उसके लिए हमारे एसोसिएट होते हैं वेरी नाइस बट डम क्वेश्चन ऑन माय पार्ट बट मैं सीन में मैंने सबको एक दफा आंखें टेढ़ी कर ली ना सीन में ऐसे करके टेढ़ी कर ली आंखें ना ऐसे करके आंखें बना ली एंड असद लाइक ज़ारा तुम व्हाट आर यू डूइंग मैं कह रही हूं हां 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 एंड ही इज लाइक नो दिस इज नॉट फनी I was like, okay, बेइज्जती हो गई है. I was like, okay, sorry, sorry. But he was like, no, I mean, ये काम है ज़ारा हमारा. I was like, I know, but I was just joking. He's like, no, मतलब आप, you can't make. I was like, हाँ, but मेरे solo हो गए तो मैं आपके solo में आपको थक गई थी. Like, नहीं ऐसे नहीं करते. This is a really fun one. मेरे solo के मैं थक गई थी. अब आपके मैं solo नहीं होने दूँ. तो he's like, नहीं. But it was a fun scene. It wasn't a dark scene, but Asad still was like, कि नहीं ऐसे नहीं करते. आपको मैं आगे के लिए सिखा रहा हूँ. आप आगे किसी actor के साथ काम करेंगे. आपको मैं तो कोई और लड़की होती तो मैं डांट देता उसको तो मैंने कहा अगर कोई और हीरो मुझे डांट देता मैं उसको मार देती और मैं रोती और मैं भाग जाती सेट से. अच्छा मुझे बताओ ज़ारा ये जो तुम्हारा नौशाबा का रोल है इज देयर वन थिंग जो इस कैरेक्टर को करने के बाद यू टुक अवे विद यू कोई चीज दिल में रह गई है करने के बाद नौशाबा नौशाबा तो मुझे नहीं पता कैसे शुरू हुआ और कैसे खत्म हुआ है मैं बहुत ही एक जोन में नौशाबा स्टार्ट किया था और इतनी शेड्स हैं ना उसमें शेड्स हैं यार इतनी चीजों से और वो उस जोन और वो खत्म हो रहा है अब और मैं ये सोच रही थी कि इट्स बीन 6 months दैट यू नो दिस प्रोजेक्ट इज नाउ फाइनली एंडिंग 4 दिन रह गए पीछे और मतलब नौशाबा इज जस्ट एंडिंग एंड यू फीलिंग सैड I mean, I'm not feeling sad. Which has become part of you. Yeah. I mean, Ajeeb, see, there's so much, I can't tell, but this There's so much to Nauşaba. Yeah. There's so much. Which you feel कि तुम्हारा भी ऐसे ही इतने इतने रंग तुम्हारे भी हैं जैसे नौशाबा के और मुझे लगता है हर किसी में इट्स जस्ट दैट आपको अगर वो चीजें मिल जाएं जो जो चीजें नौशाबा को मिल गई तो आप कहीं ना कहीं आप यू नो आप फील करेंगे वो सीरियस सवाल पूछ लो कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारी जिंदगी का जो थोड़ा सा सफर था वो नौशाबा की तरह का सफर भी है थोड़ा सीरियसनेस के बाद इतना फेम माशाल्लाह से यू नो लुक एट वेयर यू आर नौशाबा इसलिए भी शायद तुम थोड़ा सा नौशाबा ऑफ कोर्स यू डिडंट टेक द पार्ट जो नौशाबा ने लिया ऑफ कोर्स बट मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए भी शायद तुम नौशाबा से थोड़ा ज्यादा रिलेट कर पा रही हो यू थिंक मैंने एक्चुअली एंगल्स नहीं कभी सोचा बट मैंने ये एंगल जरूर सोचा कि अगर आप यू नो इफ यू ट्राइंग टू रूइन समवनस लाइफ डिलिबरेटली तो वो फीलिंग क्या होती है और वो मजा क्या होता है टू you know make someone feel bad so wo maza aana is something very low to wo low feel karna phir you know switch karna kyunki aapne apne inner ko batana hai ki ye buri baat hai aur act karna hai ki it's okay so wo jo constant wo to I think har actor ka dilemma that is something you went through okay thank you so much and we are enjoying Nauşaba we hope thank you so much yeah I'm so sorry for this quick little chattery but inshallah we're going to meet soon for a longer chit chat take care yourself bye bye